शुक्रवार को नवादा के आईटीआई मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव चुनाव ही नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, इसमें आप सबको मिलकर बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पलटू राम की संज्ञा देते हुए कहा कि पलटू चाचा सत्ता के लिए तथा मुजफ्फरपुर घोटाले में अपने पाप को धोने के लिए भाजपा से जा मिले हैं। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा की थी, परंतु आज सभी जगह शराब बिक भी रहे हैं और बड़े से बड़े लोग भी पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले यह शराब कम कीमतों में मिलती थी, आज यही दोगुने कीमत में मिल रही है। पहले की कीमत और अब की कीमत के बीच का जो पैसा है वह सीधे नीतीश चाचा के अकाउंट में जाता है। नवादा के सांसद गिरिराज सिंह पर चुटकी लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दूसरे को पाकिस्तान भेजने वाले आज खुद नवादा के लिए मोहताज हो गए हैं। नवादा की जनता ने उन्हें बेगूसराय भेज दिया है। यह देश गिरिराज सिंह के बाप का नहीं है, जो कोई यहाँ रहे या पाकिस्तान जाएगा। चिंता होती, आप लोगों की चिंता होती तो मन लगा करके 5 साल सरकार चलाते और आप लोगों की सेवा करते तो आज बिहार की रूपरेखा अलग होती, लेकिन उनको तो अपनी चिंता थी, अपना कुर्सी का चिंता था। आप बताओ बेचारा मजदूर की रोजी रोटी छीनी कि नहीं छीनी? जो गरीब मेहनत करा करके मजदूरी करा करके 2 वक्त की रोटी अपने बाल बच्चों को घर में खिलाने का काम करता था, उसको रोड पे ले आए कि नहीं ले आए नीतीश जी?